परेशानी रहती है। चलो रोलिंग, चलो रोलिंग, वेरी गुड, चलो रोलिंग, साइलेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यशोदा माँ की बात की गई है इस शो में, तो मैं आप दोनों से ही यशोदा माँ से ही बात करना पसंद करूंगी, माताओं से। तो किस तरीके का प्यार मिल रहा है, क्योंकि शो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुका है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? यशोदा मैया कहिए। यशोदा मैया को तो वैसे ऑडियंस से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मुझे मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार मिल रहा है। और फिलहाल तो यशोदा मैया को पता नहीं है कि वो यशोदा मैया है, बट प्यार कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। अच्छा, तो आप देवकी समझ रही हैं? बिल्कुल। मैं तो देवकी हूँ, मेरा लाल है ये, बिल्कुल बहुत प्यारा है, अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता है। पर कुछ हादसे हुए हैं जिंदगी में, हर किसी के होते रहते हैं, पर अब बहुत जल्द खुशी आने वाली है, और वो खुशी के बारे में हम नहीं बताएंगे। आपको देखना पड़ेगा। वैसे देखते हैं आप लोग? यस। कोई फॉलो कर रहा है? नहीं, नहीं कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं। सो स्वीट ऑफ यू। निलू मैम, आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले जिस किरदार में हमने आपको देखा था, आज भी लोग उस किरदार से आपको जानते हैं। थैंक यू जी। और जब इससे डिफरेंट किरदार मिलता है, तो कहानी वैसे ही सिमिलर ही, एक माता ही रोल रहता है, बस बहुत सारी चैलेंजिंग रहती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस शो में जैसे कि आपने बोला कि मैं यशोदा माँ नहीं हूँ बल्कि देवकी हूँ, तो कितना चैलेंजिंग रहा है जब देवकी प्ले करते हैं? एक्चुअली जो राजेश्वरी देवी का जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही डिफरेंट है। इसमें बेटे, परिवार और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और वो थोड़ी सोशल भी है औरतों के लिए, इंडिपेंडेंट औरतों के लिए। और इसमें एक जो पहलू है दादी और पोते का, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग जो आएगा। मैं बताऊंगी नहीं, बट जब भी मैं वो सीन कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, छोटे बच्चे के साथ, काना के साथ एंड ऑल। और बहुत स्ट्रांग लेडी है, घर में रूल करती है, बट इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर। और विधवा के लिए कुछ अनकही बातें हैं उसके मन के अंदर, जो उसके परिवार में उसके साथ बीती थी, और उसके लेके जो स्ट्रांग रीजंस है वो काफ़ी है, ऐसा होता भी है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए कि ऐसे हालात घर में पैदा ना हो जो आगे लोगों को तकलीफ दे। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज विद द फैमिली, और बहुत ही डिसेंट वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड मैं दिल तुम धड़कन, ये दो परिवार के लिए है, जैसे मैं दिल हूँ ये मेरी धड़कन है, वैसे कान्हा इनका दिल है और ये उनकी धड़कन, काना मेरी धड़कन है, धड़कन है ये दिल है और ये उनकी धड़कन है। हाँ, जैसे मैं दिल हूँ और काना मेरी धड़कन है। हाँ। तो तीन कहानियां हैं, इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट, और आई थिंक शिमारू उमंग ने बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है, जो मेरे इंस्टा पे कमेंट्स है, आप लोग जाके देख सकते, बिकॉज वी कांट राइट दैट कमेंट्स। तो जो लोगों ने बोला है कि हमें कुछ एक नया देखने को मिल रहा है, एक ओरिजिनल चीज देखने को मिल रही है, हाँ जी, और बहुत ही नेचुरल भी है, जो कैरेक्टर्स जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बहुत नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि बनाए जा रहे हैं वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए कि मुझे किसी को डांटना है तो मुझे वो सीन बनाना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक हाँ, एक माहौल ऐसा क्रिएट है जो हर घर में होता है। हम भी घर में जाते हैं तो कई बार माँ जो है खाना बना के रखती है और हमारा नोटिस ही नहीं होता है, अरे उन्होंने थाली बना के रखी, और हम अपने काम में उलझ जाते। तो मैं दिल तुम धड़कन इज जस्ट लाइक अ फैमिली, और वैसे ही कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे, सब रिलेट कर पाएंगे, एंड इट्स अ वेरी फ्रेश। और आई थिंक राजेश्वरी का रोल जो मुझे मिला है, आई एम रियली हैविंग अ वेरी ग्रेट ऑनर, आफ्टर भाबो आई एम गेटिंग दिस कैरेक्टर, सो रियली थैंक्स टू शेमारू एंड शशि सुमित प्रोडक्शन फॉर गिविंग मी दिस रोल, थैंक यू। राधिका, आई थिंक आपको ऐसे अंदाज में शायद ही ऑडियंस ने देखा होगा, काफी अलग किरदार है, बहुत, मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने शोज किए हैं उसमें बहुत यंग लड़की, यंग रोमांस, यही सब किया, तो ये थोड़ी मैच्योर है वृंदा, और जो भी आगे कहानी बढ़ेगी वो बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेगी वृंदा, जो इससे पहले के मेरे कैरेक्टर शायद 20
22 साल की लड़कियों वाली स्टोरी थी, बट नाउ इट विल बी अ मैच्योर अप्रोच, और मेरा बच्चा भी है इसमें, तो वो मेरे ऑडियंस के लिए बहुत ही नया है और आई थिंक वो बहुत पसंद कर रहे हैं. yes, मतलब आई हैव हार्डली सीन एनी हेट कमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं वो लोग. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि और क्या ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है. मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ. देखिए केशव अग्रवाल जो है वो बहुत ही सुलझा हुआ, हार्ड वर्किंग, एक हमारे हिंदुस्तान में एक इमेज होती है ना एक लड़के की, बड़े लड़के की, घर का जो जिम्मेदार लड़का होता है वो आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, जो जिम्मेदारी को समझे और अपनी फैमिली वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ उनको साथ में लेके चले. तो केशव अग्रवाल जो है वो इसी तरह का कैरेक्टर है और काफ़ी सुलझा हुआ है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं लाइफ में कि वो टूट गया है, परेशान है बहुत ज़्यादा, बट उसने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको कभी डिस्कार्ड नहीं किया और उन पे चलते हुए वो इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए इस लड़ाई को जीतेगा, आगे बढ़ेगा. आप दोनों से जानना चाहूंगी किस तरीके की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी हमें, अगर एज अ ऑडियंस हमें बताना चाहें आप. वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री रियली, अब तक जो भी एपिसोड्स देखे हैं, जो कमेंट्स आए लोगों के, दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. थैंक यू, इसलिए देखते रहिए, हम लोग बहुत जल्द भी खेलेंगे अपनी. क्या बात है, या या या, मुझे लगता है सारे इमोशंस हम दिखा देंगे एक दूसरे के साथ. वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने फैंस को मतलब तकलीफ ना दे और उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हम उनकी उम्मीद तक नहीं पहुंचे, और हम उनके दिल तक पहुंचने के बहुत ही करीब कोशिश करेंगे. क्या स्टोरी इतनी अच्छी है ना तो एक्टर के लिए भी बहुत बहुत सपोर्ट हो जाता है क्योंकि इतनी स्टोरी इतनी अच्छी है, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि एक्टर अपना अपना सब कुछ झोंक देता है उसके अंदर. और इतनी अच्छी राइटिंग है, इतने अच्छे सीन्स आ रहे हैं हमारे लिख के, तो हम सब अपना 100% नहीं 200% दे रहे हैं कि इतना जितना ब्यूटीफुल इसको बना सकते हैं, जितना ऑर्गेनिक रख सकते हैं इस चीज़ को. तो पूरी कोशिश, हम लोग तीन यहाँ पे हैं लेकिन हमारी पूरी कास्ट जो है, पूरी टीम, एक दूसरे को हम इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सो व्हिच इज वेरी गुड. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं यही कहूंगी कि मेरी पूरी टीम जो भी है, मैं दिल तुम धड़कन की उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को पसंद करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग देखेंगे, आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा और इतना ही प्यार देंगे. मैं दिल तुम धड़कन की राजेश्वरी देवी को, वृंदा को एंड केशव को, और ताना भूलना मत. yeah, <he's a> gem. बस उसे सुला के आई हूँ मैं घर पे. वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है काना, इज वेरी स्वीट. वो मतलब हम लोग को ही कभी कभार सरप्राइज कर देता है. एक्चुअली मैं पब्लिक को ये बोलना चाहूंगी, वो दही वाला माखन वाला एक सीन है, आई थिंक ऑन एयर आने वाला है ऑलमोस्ट, वो सीन करते वक्त मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था, एंड ही वाज डांसिंग एंड ही वाज एंजॉयिंग, हकीकत में वो काना ही लग रहा था. वेरी नाइस, प्लीज डू वॉच दैट सीन. थैंक यू मैम, थैंक यू. लुक सेंटर, लुक सेंटर, सेंटर लेफ्ट राइट. आई थिंक मैम वहां से यहां तक. अच्छा, ऐसे पूरा एक चक्कर मार. यस, सेमी सर्कल. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू. सिंगल सिंगल सोलो सोलो करते सोलो सोलो करते हेलो जय भीम, जय भीम. अरे गजा महाराज, सब मत देख दे तू राजा. आप लुक सेंटर, ओके, थैंक यू. नेक्स्ट.
लुक सेंटर लुक सेंटर सेंटर मैम थैंक यू थैंक यू हर तरफ हमेशा नहीं देखना सारे बड़े कैमरे हैं इधर अच्छे से स्माइल देना बेटा ई चीज बस अब कम थैंक यू दोनों का साथ में दोनों का बात नहीं बीच में आ जाऊंगी लुक सेंटर बाद में आती हूँ मैं इनकी फोटोज हो गए बता देना मुझे हर रियलिटी शो में यही होता है बाद में लेके आना होगा दूसरी फोटो मतलब नहीं बेटा ऐसे नहीं Thank you. Thank you. This was just nice.